अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, हमारा जो तकरीबन तमाम मुर्गे जो हैं वो जा चुके हैं, सेल आउट सिर्फ एक ही हुआ है। मैं आप लोगों को जो पता नहीं पता हो ना पता हो, हमारा हीरा सेल आउट हुआ था ना, सिर्फ हीरा सेल आउट हुआ है जो सबसे ऊपर वाले पिंजरे में था ग्रीन में। तो मैं अभी ऊपर ले जाके दिखा दूंगा आप लोगों को। बाकी यार दोस्तों, ये जो नस्ल थी ना यार, ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब थी, क्योंकि बच्चा था जो हमारे घर का पहली ब्रिड बच्चा निकला था हीरा का, और सबसे पहले आए हीरा जो कि इसी बीमारी में मरे थे। याद है, इसी बीमारी में मरे थे, वो भी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था उस वक्त ये पेट व्लॉगिंग नहीं करता था, नॉर्मल व्लॉगिंग करता था, ये पेट व्लॉगिंग के हिसाब से मैं करता नहीं था उस वक्त। तो यार वो सारे ख़त्म हुए थे उस वक्त, पर उसका एक अंडा बचा था हीरा का, तो ये उसकी ब्रिड निकला था, और उसकी ब्रिड ये आज हमारे को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कल तक इसमें फिर भी जान थी, आज आपके सामने ही है। और इसको खुला हमने इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि काफ़ी बंदों से भी और हमारा खुद का भी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यार इसको हम बंद नहीं कर सकते आप पिंजरे में, क्योंकि इसकी कंडीशन ही नहीं है वो दोस्तों। ये ठंडी जगह है हमारी एरिए की, इस वाली पूरा जो बाउंड्री बनी है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ रखा है। तो यार इसके लिए दुआ कीजिए आप लोग कि जल्द अज जल्द सेट हो जाए। तो यार ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को वाइट वाइट पाउडर, ये हमने डाला है इस वजह से क्योंकि चोटियाँ इस पर चिपक रही हैं बहुत, वजह ये उसमें जान तो रही नहीं है, और पिंजरे में रखेंगे तब भी चोटियाँ आ जाती है, तो उन चोटियों की वजह से हमने पाउडर डाला है ताकि चोटियाँ काटे नहीं इसके। और अभी फ़िलहाल यार इसकी यही अपडेट है कि कुछ नहीं पता दोस्तों, हो सकता है ये बच जाए, बाकी अब अल्लाह के हाथ में जो चीज़ है क्यों दा। बाकी हमें यार बड़ा दुख है इस चीज़ का कि हमारा मेन नस्ल का मुर्गा था यार, मेन नस्ल का मेन हीरा ब्रिड, बस इसकी सांसें चल रही हैं, ये नहीं पता कि ये बचेगा नहीं बचेगा अहमदा लग रहा, क्योंकि इसकी बिल्कुल भी ये देखे ना है जिंदा ही, ये देखो सांस ले रहा हिल रहा है जिंदा दोस्तों, पर कुछ भी वाजी नहीं हो रहा है। तो बस आखिरी चांस देखते हैं कि कौन से हमारे पास बचते नहीं बचते हैं, बस अब ये कि ये बच्चा यार अल्लाह करे, क्योंकि इससे बड़ा मिला हुआ। चलो यार अल्लाह, मैं ज़रा जाऊँ छत पे, अब चलता हूँ मैं छत पे लेके आप लोगों को और दिखा देता हूँ वहाँ क्या करा है। चले यार छत पे आ गए हम। तो यार जितने पिंजरे थे ना कल मैंने आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखे थे, ये देखें सारे के सारे कितने साफ हो रहे हैं अंदर से, ये देखें। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि सुबह इनकी सफाई कर दी जाएगी, पर यार असल में बात यह है गर्मी का प्रेशर इतना है ना, ना मैं वो चीज़ मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है मोबाइल जो है ना वो हीटअप मार जाता है और बंद हो जाता है, मतलब आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, और इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है सबको वाजह है कि कराची सिंध में जो है ना, सिंध में मेन कैसी गर्मी पड़ रही है। खैर ये देखें ये पिंजरा बड़े वाला, और हीरा का जो मैं बता रहा था वो इसके अंदर होता, उसकी बात कर रहा था जो इधर ऊपर पोजिशन में था ना वो बिका है। तो खैर भाई ये भी साफ कर दिया, सिर्फ वो रह गया है वो साफ करेंगे, क्योंकि यार हिम्मत जवाब दे गई थी गर्मी से। ये भी साफ कर दिया है, ये भी, और ये तो काफ़ी ज़्यादा साफ हो गया। बाकी यार आपके सामने पूरा सेटअप खाली पड़ा है यार, बड़ा दुख हो रहा है यार सेटअप को खाली देख के, जिस तरीके से पड़ा हुआ है ना, देखो पहले मैं ऐसे करता था ना तो पूरा बैक साइड नज़र आता था कि सारे यहाँ घूम रहे हैं खा रहे पी रहे हैं, कुछ भी नहीं रहा। यहाँ की जो जगह थी पूरी ये सफाई हुई है, वो देखें सारा कचरा उस तरफ डाल दिया, ये सारा इधर का निकला पूरे एरिया का कचरा। तो यार हमज़ा जो है ना वो ये बैठा हुआ नीचे दोनों कंधारियों को खोल के गली में, पहले हमारा सेटअप गली का ही था जब आप लोगों को याद होगा, तो गली के अंदर खोलते थे सारों को, ऊपर हम लाए थे कि यार सेटअप बड़ा करें थोड़ा, और जब माशाल्लाह बहुत ही बड़ा हो गया था, ये सेटअप कम नहीं होता, ये जगह पूरी घेरना इतना सेटअप बहुत होता है ये हमारे लिए, भाई किसी के लिए होना हो हमारे लिए बहुत बड़ा था, और काफ़ी लोग माशाल्लाह हमें इंकरेज करते थे सेटअप पे कि यार बहुत अच्छा सेटअप रखा हुआ है। आगे भी मेरा तो मेरा बहुत दिल था कि यार वहाँ पे एक अवेरी बनाऊंगा बड़ी, जिसमें तोते वगैरह ला के रखूँगा, और जो पूरी लोहे के एक मास्टर केज होता ना उस टाइप का, पर यार किस्मत में शायद नहीं था, कोई बात नहीं फिर कभी होगा। भाई कैचे, अरे उड़ना मत उड़ना मत यार, ये बड़ा मेरे से परेशान होते हैं बेचारे बेचारे दोस्तों। कॉकटेल के बच्चे बड़े हो गए, वो जो बड़े हो गए थे ना ये वाले हैं फर्स्ट बच्चे जो हमारे पास निकले थे, वो रहा एक ये रहा फ्रंट पे और एक बैक पे, मे बी ये फ्रंट वाला नर है और बैक वाली मादी है, तो ये दो बच्चे। और भाई एक और बात सुन लो,
तुम दोनों का ना भाई आ गया, एक और या बहन जो भी है वो उस वाले एरिया में है, तो वो उधर है और वो भी इंशाल्लाह बकराईद तक में भी बड़ा हो जाएगा, पॉसिबल है क्या यार? देखा ना यार, ये हमला करता है बड़ा। ओ, ओ, ओ भाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, देख रहे हो कैसा हो रहा, एग्रेसिव है भाई, काटने को दौड़ता है, ऐसा हो रहा है पता नहीं मैं इसके क्या कर रहा हूँ। तो यार बच्चों का भी मैं तुम लोगों को एक चीज बताता चलूं, जो हमारे पास बच्चे थे आप लोगों को याद होंगे, दो फैंसी तो मर गए, उसके अलावा दो बच्चे थे वो हमने दे दिए थे, वो भी कजन के ही रखकर आए थे, तो फैंसी हो गए और वो हो गए, वो सारा कजन के थे, तो उनमें से यार वाइट बच्चा नहीं रहा हमारा, जो मे बी शायद फार्मी था, हाँ, और ब्लैक कलर का था, एक ब्लैक बच गया पर फार्मी नहीं था, तो उसकी भी किस्मत इतनी थी भाई, और उसको भी यही बीमारी लगी थी सेम, वो भी इसी से मारा। काले आले का हमने उन्हें बोला कि चेक करेंगे यार, उसको भी देखभाल के रखे, वो बोला खा पी रहा है वो तो अभी तक तो सेट है, पर उनके भी समझ नहीं आया कि व्हाइट वाला भी सेट था, पर भाई एक एक करके ऐसे जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। फिलहाल उन्होंने ब्लैक वाले को ना बिल्कुल ही अलग कर दिया भाई, ये मैंने बोला आपने अच्छा करा है। और फैंसी की अगर मैं अपडेट दूं तो वो आप लोगों को कल दूंगा कि फैंसी कैसे हैं, इंशाल्लाह व्लॉग में आप लोगों को दिखा भी दूंगा, मैं कोशिश करूंगा एक कजन से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके वीडियो कॉल पे आप लोगों को भी दिखाऊंगा, खुद भी देख लूं यार, क्योंकि मैं तो कॉल पे वैसे रबते में रह लूं और हमजा रहता है ज्यादातर रबते में कॉल पे उनसे, तो ये पता है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेट है वो, बाकी मैं वीडियो पे इंशाल्लाह आप लोगों को कल लाजमी दिखाऊंगा। यार तुम लोगों को एक और चीज बताऊं, मैं याद होगा तुम लोगों को हम एक चिड़िया का बच्चा पकड़ा था हमने नीचे से, अब वो यहाँ आके गायब कहाँ हुआ ये तो पता नहीं चला यार, हो सकता है कि बड़ा हो गया होगा ये ले गए हो, या फिर हो सकता है कि वो नीचे कहीं अल्लाह ना करे यार दब दबा के कुछ हो गया हो, हमने तो रेस्क्यू करा था उसको और छोड़ते इसलिए थे ताकि यार वो उड़ जाए, क्योंकि वो पलता नहीं, हमारे पास वो खाता ही नहीं था कुछ, और हमने जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो पता वो फिर ना बीमार पड़ जाती है चीज, इस वजह से हमने छोड़ा था उसको वहाँ, अब वो वहाँ से घूमूंगा कुछ नहीं पता चला, पर भाई इसके माँ बाप अभी भी इधर आके बैठते हैं यार डेली, और मुझे ऐसा लगता है उसको ढूंढते हैं, वो शायद उड़ा नहीं है, वो यहीं कहीं रह गया, बट वो उड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि बिल्ली के हाथ में आ गया हो, पर कुछ भी नहीं हुआ, बट ये जो है ना दोनों माँ बाप आगे यहाँ बैठते हैं यार, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी तक आप जानवर क्यों देखें परिंदे की, कि उसको अभी तक ये कि मेरा बच्चा था अभी तक याद है यार, देखें वही वही चिड़िया जो मैंने आपको बताई थी, ये देखें ये रही ये उड़ी, ये थी वो ये अभी रिकॉर्ड हो गई क्योंकि सामने आके बैठी तो मैंने दिखा दी, ये थी वो चिड़िया जो बार बार यहाँ पे आ गया बच्चा ढूंढ रही थी अपना। खैर यार दोस्तों आज तो अब हमारे पास कुछ रहा भी नहीं ऊपर खिलाने के लिए, बस इनको आके दाना पानी कर देते हैं, अब उनको भी कितनी देर खोले, बच्चे के साथ है उसको थोड़ा बहुत खोल देते हैं, और जो कुड़ा के उसको तो हमने बंद ही रखना है, खिलाना पिला के बंद करना है फौरन जल्दी से क्योंकि वनडो पर है, तो अब यार रौनक फिलहाल अभी ख़त्म हो गई है, पर मेरी जल्द इंशाल्लाह अल्लाह पाक से पूरी वो है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारा फिर से सेटअप सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, दुआ करें जल्द अज जल्द यार सेटअप सेट हो तो हम फिर से सेटअप को आबाद करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।